अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो सबसे पहले हम यहां डेफिनेशन डिस्कस करने जाएंगे, दैट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड इज कन्फाइंड टू वेसल इज नोन एज क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम की वो टाइप जिसमें ब्लड कहां होगा, इज कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब महदूद, लिमिटेड टू वेसल, ब्लड वेसल के अंदर ही होगा, ब्लड वेसल से बाहर जो है वो ब्लड नहीं होगा। तो हमने कहा वो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर होगा, उसे हम कहते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। नाम से ही हमें अंदाजा हो रहा है। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे कि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, एनिलीडा, फाइलम एनिलीडा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बर्ड्स, परिंदों की बात करेंगे, मैमल्स की बात करेंगे, सब मोलुस्का, मोलुस्का जो है वो कुछ होते हैं जिनके अंदर ओपन टाइप होता है, जबकि कुछ जो होते हैं जिसमें ऑक्टोपस और स्क्विड जो होता है उसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये भी आपने एग्जाम्पल में याद रखना। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। ब्लड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूड। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने बात की थी कि ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूड यानी टिश्यू के दरमियान जो फ्लूड होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूड कहते हैं। ओपन टाइप के अंदर हमने बात की थी कि ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूड में कोई फर्क नहीं था, जबकि क्लोज टाइप के अंदर टिश्यू के दरमियान जो फ्लूड है जिसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूड, इंटरस्टिशियल फ्लूड की कंपोजिशन जो है उसकी बनावट जो होती है वो अलग होती है और ब्लड जो होता है वो अलग होता है। तो इसीलिए हमने कहा ब्लड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूड, ब्लड जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूड से क्या होगा, अलग होगा, मुख्तलिफ होगा। नंबर टू प्रॉपर्टी है, वन और मोर हार्ट पंप्स ब्लड इनटू लार्ज वेसल दैट ब्रांचेस इनटू स्मॉलर वंस कोर्सिंग थ्रू द ऑर्गन। यहाँ जो है वो इनके अंदर जो है वो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में एक या एक से ज़्यादा हार्ट हो सकता है, दिल होता है, वो ब्लड को पंप करेगा लार्ज वेसल में, उन लार्ज वेसल से छोटी छोटी क्या होंगी, ब्रांचेस निकलेंगी और वो थ्रू आउट द ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाकर ब्लड पहुँचाने का काम करेंगे। अब जो है वो आज की इस वीडियो में हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है सिंगल सर्किट सर्कुलेशन और दूसरी कहलाती है डबल सर्किट सर्कुलेशन। सबसे पहले हम जो है वो आज के इस लेक्चर में इसकी पहली टाइप को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे डायग्राम की मदद से सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। सिंगल सर्किट सर्कुलेशन को हम डायग्राम की मदद से समझेंगे और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डबल सर्किट सर्कुलेशन को भी समझेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन की। सिंगल सर्किट सर्कुलेशन जो है वो किन ऑर्गेनिज्म में होता है, ये होता है यहाँ मिसाल के तौर पर, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा हो गया, द हार्ट ऑफ फिश, फिश के अंदर जो है वो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होता। द हार्ट ऑफ फिश इज टू चैम्बर्ड कंसिस्टिंग ऑफ एन एट्रियम एंड अ वेंटिकल। अगर हम बात करते हैं इंसानों के दिल में कितने चैम्बर हैं, चार, जबकि सिंगल सर्किट वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनके दिल में कितने चैम्बर होते हैं, दो, टू चैम्बर। मिसाल के तौर पर फिश, द हार्ट ऑफ फिश इज टू चैम्बर, दो चैम्बर है, कंसिस्टिंग ऑफ एन एट्रियम, एक एट्रियम होता है और एक क्या होता है, एक वेंटिकल होता है। अब मैं आपको यहाँ डायग्राम से थोड़ा सा समझाता चलूँ कि भाई ये जो डायग्राम आपके सामने आ रही है कि ये सिंगल सर्किट की जो है वो डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ, भाई ये दिल है, अब दिल में है जो दो ही चैम्बर है, एक एट्रियम और दो क्या है, वेंटिकल, इनके दरमियान जो है वो स्पेस भी आ रहा है। तो अब जो है वो ब्लड क्या हुआ, वेंटिकल से ब्लड जो है वो पंप हुआ, वेंटिकल से ये ब्लड फिर कहाँ चला गया, गिल्स में चला गया। और आपको मालूम है कि मछलियाँ जो है वो सांस किससे लेती हैं, गिल्स से लेती हैं, लंग्स से तो नहीं लेती। ओके, गिल्स में गया, गिल्स में क्या हुई, ऑक्सीजनेशन हुई, भाई वेंटिकल से आर्टरीज निकली,
आर्टरीज जो है वो कहाँ हुई, उन्होंने ब्लड को जो है वो गिल्स में पहुँचाया। गिल्स में क्या हुआ, गिल्स में जो है वो आपको मालूम है कि पानी जो है वो दाखिल होता है और पानी की जो ऑक्सीजन होती है वो गिल्स के जरिए जो है वो ब्लड में दाखिल हो गई। ब्लड क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ब्लड जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, बॉडी टिश्यू के अंदर क्या हुआ, ब्लड टिश्यू के अंदर दाखिल हुआ। यहाँ क्या हो गया, डी ऑक्सीजनेटेड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, खून में शामिल हो गया। अब ये वेन्स के थ्रू जो है वो दोबारा एट्रियम में आ गया। अब अगर आप गौर से देखें तो एक ही चक्कर लग रहा है, ऐसे कहते हैं सिंगल सर्किट। क्या कहते हैं, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, सर्किट का मतलब रास्ता। तो एक ही रास्ते से जो है वो खून निकल रहा है और उस पूरे रास्ते को, उसी पूरे चक्कर को मुकम्मल करके दिल जो है वो खून दोबारा उसी रास्ते से आ रहा, मतलब एक पूरा सर्किट जो है, पूरा एक दायरा जो है वो क्या हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। तो यहाँ हमने बात की कि हुआ ये कि भाई हार्ट ऑफ फिश, इसके दो चैम्बर हैं जिसमें एक एट्रियम होता है और एक क्या होता है, वेंटिकल होता है। होगा क्या, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी सर्कुलेशन इंटर्स द एट्रियम। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एट्रियम में दाखिल हुआ था थ्रू अ थिन वॉल्ड साइनस विनोसिस, इसमें एक थिन वॉल्ड साइनस विनोसिस होगा विच ओपन इन टू अ मस्कुलर वेंटिकल्स। भाई एट्रियम में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो कहाँ गया, साइनस विनोसिस के थ्रू जो है वो एट्रियम में दाखिल हुआ, अब वो वेंटिकल में खून चला गया। अपॉन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंटिकल, वेंटिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, द ब्लड इज पम्प इन टू वेंट्रल एओटा, एओटा यानी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी में दाखिल होगा, विया कूनस आर्टरियोसिस, विया का मतलब थ्रू, जरिए, कूनस आर्टरियोसिस के जरिए जो है वो एओटा में दाखिल होगा। ऑल दीज चैम्बर है वॉल विच प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। अब देखो यहाँ ये कह रहा है, बट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया, इसके जरिए वेंटिकल में आया, वेंटिकल के जरिए जो है वो एओटा में दाखिल हो गया, और यहाँ कह रहा है कि इसमें क्या होता है, वॉल होता है, यानी एट्रियम का ब्लड जो है वो वेंटिकल में आ जाएगा, लेकिन वेंटिकल का ब्लड दोबारा एट्रियम में नहीं आएगा। इन दोनों चैम्बर के दरमियान क्या होता है, वॉल होता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो सके। तो यहाँ हमने बात की, ऑल दीज चैम्बर्स, दो चैम्बर है ना, हैव वॉल, इनके दरमियान वॉल होता है विच प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। बैकवर्ड फ्लो को क्या करता है, रोकता है कि वेंटिकल का ब्लड जो है वो दोबारा से एट्रियम में ना आ सके। तो आज की इस वीडियो में हमने सिंगल सर्किट सर्कुलेशन को डिस्कस किया, इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में हम डबल सर्किट सर्कुलेशन को भी डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।